कहाँ ले जाना चाहती हूँ? मेघर अंजनी से मिलने चले जाओ। बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने, लड़का बहुत अच्छा, वो तुझे पसंद भी करने लगा है, इसीलिए तो बहाने से मिलने आया था। कितनी ऑड पोजीशन में लाके रख दिया है आज तुमने मुझे, कितना बुरा लग रहा है मुझे, उन्हें बिना बताए ऐसे अचानक चले जाना अच्छा नहीं हुआ। वेलकम, तुम दोनों बातें करो, मैं निकलती हूँ। आइए ना बैठिए। आप क्या लेंगे, कॉफी? नहीं, ऑरेंज जूस। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मैं बस निकलूंगा ही अभी। वो मैं कल के मेरे बिहेवियर के लिए सॉरी कहने आया था। सॉरी? हाँ, एक्चुअली कल जुनाली मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आई थी और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, शायद नहीं, मतलब बस इसीलिए मैं मिसबिहेव कर गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर। अरे सोनाली, तुम यहाँ अंधेरे में बैठी क्या कर रही हो? ताकि तुम्हारा असली चेहरा पहचान सकूं। क्या मतलब? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी वहां जाने की? सोनाली तुम शांत हो जाओ, फिर मैं बात करता हूँ तुमसे। तुम वहां गए क्यों जतिन, क्या चीज है वो? सोनाली वो तो बस ऐसे ही मैं। But why, जतिन? क्या लगती है वो तुम्हारी? सोनाली देखो, तुम खामखा सीन क्रिएट कर रही हो। देखो मैं तो बस उसे सॉरी बोलने गया था। जरूरत क्या थी जतिन? एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती जतिन। She is nobody. I know what you want to say. पर बाबू कल मैं थोड़ा ज्यादा ही रूड हो गया था उससे। तो क्या तुम उससे भागे भागे उसके पीछे तुम उसे सॉरी बोलने चले जाओगे? तुम्हें क्या लग रहा है जतिन कि वो सच में तुम्हारी होने वाली बीवी है, इसलिए तुम्हें उसकी फीलिंग्स की इतनी परवाह होने लग गई है? जतिन तुम्हारी जो कुछ भी हो,
सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। वो कचरे में रहने वाली लड़की नहीं। और एक बात याद रखना तुम, वो ना इस गेम का बस एक हिस्सा है, हिस्सा, एक पपेट है वो हमारे लिए, समझे? अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, मुझे जुनाली को बता के जाना चाहिए, मेरी गलती है, सॉरी, प्लीज। इस दिल में ना किसी और के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए सिवाय मेरे। और इसकी हर एक धड़कन सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इसकी हर सांस मेरी है, समझे मिस्टर जतिन? यस मैम। गुड मॉर्निंग जुला काका। गुड मॉर्निंग बेटा। सबका ब्रेकफास्ट हो गया? सबका हो गया पर मैं बचा हूँ, तुझे कैसे अकेला छोड़ देता, मेरी छोटी बहन है तू। थैंक्स, एटलीस्ट कोई तो है मेरा साथ देने के लिए। एनी टाइम छोटू। जुला काका आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगा, बस आप मुझे एक गर्मा गर्म कॉफी पिलवा दीजिए। अभी लाएगा। सुना है आजकल भाभी के घर के चक्कर बहुत लग रहा है। मैं नहीं गया था, जुनाली आई होगी यहाँ। जुनाली की बात कौन कर रहा है फिर? मैं तो मेघरंजनी भाभी की बात कर रही हूँ। मामपी तू ना अपना काम कर। क्यों, अगर मेघरंजनी भाभी नहीं है तो कौन है? जुनाली। उससे तो आपकी शादी हो नहीं रही, तो वो मेरी भाभी कैसे हुई? ज्यादा दिमाग मत लगा मामपी, जितना दिमाग तू यहाँ लगा रही है ना उतना अपनी पढ़ाई में लगा। पर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुई ना, रिलेशन क्लियर नहीं हुई ना। क्यों झूला काका, मैं कुछ गलत पूछ रही हूँ क्या? अरे तुम्हें मजा करो हैं? अरे ये लो नाश्ता करो, और बड़े लोगों का बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देने का। आपका लॉजिक कभी समझ में नहीं आया, पर आज आपकी बात सही लग रही है। इतना क्यों सोचू, वैसे मेरे पास सोचने के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट मैटर है। सही है, माँ आ गई। हाँ सब सामान ले आई ना? हाँ, रसगुल्ला, मलाई चाप, मिष्टी दोई। हाँ माँ सब ले आई हूँ, पनीर चाप, वेज कटलेट और नमकीन भी लाई हूँ। अच्छा किया। अच्छा माँ। हाँ आपने सारा काम छोड़कर मुझे ये सब लाने के लिए क्यों कहा? अरे डॉक्टर बरुआ का फोन आया था, बोले हम आ रहे हैं। तो एक उनके लिए इतना सब कुछ? अब उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, तो जाने कौन कौन हो उनके साथ। तो माँ आपको पूछ लेना चाहिए था ना। क्या पूछती और कैसे पूछती, शादी हो रही है तुम्हारी उस घर में, मैं भी कहां बातों में लग गई। तू ये सामान जाके जल्दी से अंदर रख दे और जल्दी से तैयार होके आना, पता नहीं कब आ जाए। ठीक है। नमस्ते सागरिका जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, आई है ये। बस आप दोनों? हाँ हम दोनों ही आने वाले थे, आप और किसी को भी एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? अरे नहीं, दरअसल मेघो रंजनी और जुनाली इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं कि जुनाली भी अब अपनी बेटी जैसी ही लगती है। आपने कहा हम आ रहे हैं तो मुझे लगा सभी लोग आ रहे होंगे। फैमिली ही समझ लीजिए। अमोली एक चैरिटी फंक्शन में गई है और बड़ी बेटी अपने ससुराल में है, तो हम दोनों आ गए। बहुत अच्छा किया, आइए ना बैठिए। आंटी जी मेघुरंजनी नहीं है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रही है ना। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मेघा कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम?
नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, नो फॉर्मेलिटीज, तुम बैठो बेटा आओ। आज हम लोग बहुत ही खास वजह से आए हैं, ये तो आप भी जानती हैं कि हमारे यहाँ शादी किसी भी रीति रिवाज से हो मामा की उसमें अहम भूमिका होती है। जी अब इसकी तो माँ बाप रिश्तेदार जो है सब मैं ही हूँ। क्यों मैं नहीं हूँ क्या? मैं हूँ, डैड है। हाँ बेटा वो तो है, पर तुम तो इसकी सहेली हो ना, और मामा तो डैड है ना। बिल्कुल, आज से मैं हूँ मेहू रंजनी का मामा, और आप मुझे हमेशा भाई साहब बुलाती हैं, तो इस हिसाब से तो मेहू रंजनी मेरी भांजी हुई ना, और आप मेरी छोटी बहन। भांजी की शादी में मामा के सारे फर्ज निभाऊंगा, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा उससे मेरे स्वर्ग जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो लड़की के मामा की तरफ से लड़की की शादी का जोड़ा ये रहा। पर भाई साहब शादी तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रही है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में। उसमें क्या हुआ, रीति रिवाज तो हम सारे ही निभाएंगे, और मामा की तरफ से लड़के को जोड़ा तो जाएगा ही। मामा के पैर छू बेटा। अरे नहीं, हमारे यहाँ भांजी का दर्जा मामा से ऊपर होता है, फिर ऐसे में मेघू रंजनी आपके पैर कैसे छू सकती है? ये तो गलत होगा ना डैड। कमाल है जुनाली, इतनी मॉडर्न होके भी तुम्हें सारे रीति रिवाज पता है। एक्चुअली हम लोग भी घर पे यही डिस्कस कर रहे थे कि मेहू रंजनी का आपके अलावा तो और कोई है नहीं, अब सारे रीति रिवाजों का क्या होगा। तो मैं आपका भाई और मेहू रंजनी का मामा बन सकता हूँ, ये बात भी जुनाली ने ही याद दिलाई थी मुझे। जी हाँ, सहेली कहा है तो इसकी शादी में कोई कमी ना हो जाए, इसका ध्यान भी तो मुझे ही रखना पड़ेगा। आपके और जतिन के परिवार में मेघा को इतना प्यार और सत्कार मिल रहा है कि मुझे किस्मत पर यकीन ही नहीं होता। एक अनाथ की किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है? ये क्या कह रही हैं आप? हमारी मेघू रंजनी है इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है वो, कि वो हमेशा से ऐसा ही परिवार डिजर्व करती थी। आंटी? आंटी नहीं, बुआ जी कहो। सॉरी बुआ जी। निपुण, 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 हे हाय, हाय, कुछ लिख रही थी क्या? हाँ। अच्छा निपुण कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? कल लौटेगा, दिल्ली गया हुआ है। अरे आज तो उसका कॉन्सर्ट था ना दिल्ली में। आज नहीं कल, सब भूलने लगा है तो। पक्का आज नहीं था? दिमाग से स्लिप हो गया मेरे। आज 14th है, उसका कॉन्सर्ट और तेरी शादी दोनों ही, वो तो याद है ना, या वो भी दिमाग से स्लिप हो गया? याद है, तू कुछ लिख रही थी ना, लिख ले। मेरा हीरो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, दो दो जगहों से ऑफर आ रहे हैं उसे, अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो अपने दिल की सुने या दिमाग की। एक्चुअली उसके सामने अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन उसकी हालत वैसी हो गई है कि एक तरफ कुआ है और दूसरे तरफ खाई। ऐसे में अगर तू होता तो क्या चूज करता, कुआ या खाई, दिल या दिमाग? देख, जो तेरी स्टोरी को सूट करे ना वो ही लिख। तेरी स्टोरी को क्या सूट करता है जतिन? मतलब ये कि तू मुझसे इतना ड्रामा क्यों करने लगा है? हम चडी बडीज है, हम तीनों एक दूसरे का इन और आउट सब जानते हैं। पहले तो तू ऐसा नहीं था, लेकिन देख रही हूँ, और सिर्फ मैं नहीं, निपुण को भी लगने लगा है।
आजकल तू हमसे बहुत कुछ छिपाने लगा है। यार है हम, हमसे छुपाएगा हर बात। बता क्या मैटर है। माँ चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। हाँ आग भी मत खोलिएगा। नहीं खोलूंगी, पर ले जा कहाँ रही है। बस एक एक अब खोलिए आग। पक्का? हाँ पक्का। तूने खरीदी? हाँ मेरे लिए। हाँ माँ बहुत सुंदर है, महंगी भी लग रही है। कितने की पड़ी? माँ गिफ्ट की ना कभी कीमत नहीं पूछनी चाहिए। आपको पसंद आई ना? बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी बेटी के जैसी। थैंक यू। और आप ना कल यही पहनी और चूड़ी। हाँ मैं देख लूंगी, तू बैठ यहाँ। बोल। कल तेरी शादी हो जाएगी, फिर बात करने का मौका मिले ना मिले। माँ मैं शादी करके ना कैसा समुंदर पार नहीं जा रही हूँ जो हमारी कभी बात नहीं हो सकती है। और अब तो दुनिया में कोई कहीं भी रहे एक सेकंड में बात हो जाती है। क्यों? वो सब ठीक है, लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है ना तो उसे अपना घर संसार देखना पड़ता है। ऐसे आजादी नहीं होती कि जब चाहे फोन कर लो, जब चाहे उठ के मिलने आ जाओ। समझी? हाँ माँ, पर मुझे नहीं लगता कि जतिन के घर में आजादी नहीं होगी। अरे ऐसा मैंने कब कहा, लेकिन शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है, ऐसा तो सब कहते ही है ना। अच्छा हम अनाथ बच्चों के लिए आपने शादी नहीं की, तो फिर आपको ये एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ कि एक बेटी बहू बनने के बाद पराई हो जाती है? बातें बहुत बनाती है। पर एक बात है लेका, मुझे बहुत इत्मीनान हो गया है कि तू एक सुसंस्कृत और सभ्य परिवार में जा रही है। कितने अच्छे हैं वो लोग, इतने बड़े हैं फिर भी इतने सहज, इतने सरल। आगे खुल गए हैं मेरी बेटी के। और देखना सब कुछ कैसे खुद ब खुद होता जा रहा है इतनी जल्दी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर परिवार, और जुनाली भी कैसे हर काम में तेरे साथ खड़ी रहती है जैसे बचपन की सहेली हो। जुनाली के मन में ना सबके लिए बहुत प्यार है, वो बहुत अच्छी लड़की है ना माँ? मेरी बेटी से थोड़ी सी कम। अच्छा? थैंक्स। अगर खामोशी ही हर प्रॉब्लम का सलूशन होता तो आज तो इतने टेंशन में ना होता। क्यों कर रहा है शादी? कल तेरी शादी है और तू आज मुझे और निपोन को तलाश रहा है? ऐसा क्या है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा है? बांट ले यार, क्या पता कोई ना कोई सलूशन निकल आए। मेरी परेशानी का किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, और जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वहाँ चलना या ना चलना ये भी मेरे बस में नहीं है। तू तो फिलोसोफर हो गया जतिन। तुझे पता है जब इंसान की जिंदगी की लगी पड़ी होती है ना तो इंसान खुद ही फिलोसोफर बन जाता है।
अरे यशा, मेरा वॉलेट कहाँ रख दिया तुमने? यशा देखो ना जरा। अरे अंदर ही रखा है। नहीं मिल रहा है। ये रही। कमाल है, मुझे तो नहीं मिला। तुम्हें मिला नहीं क्योंकि तुमने ठीक से देखा ही नहीं। आज सबको जल्दी है और आज भी तुम अपना पर्स नहीं ढूंढ पाए। This is not done today. अब जब देर होगी ना, मम्मी जी मुझे ही सुनाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा। अरे सुनो, वेट। थैंक यू। वेलकम। क्या बैठो। अपने बाल बनाना कब सीखोगे आप? हाँ बस जैसे ही तुम साड़ी की प्लीज बनाना सीख जाओगी, ठीक जाओगी। आओ चलो, देर हो रही है। जुनाली तैयार हो गई? ब्यूटी पार्लर में उसका मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट था, तो वो वहां से सीधे मेघो रंजनी के पास जाएगी और फिर उसको लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचेगी। ओके। बाप कहाँ है? अपने कमरे में। तुम अब तक तैयार नहीं हुए ना? तुम मुझे पता था तुम्हें धक्के देकर तैयार करवाना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा जान, मेरा दिल नहीं मान रहा, ये पाप है। सिंदूर पहनो। अरे जतन, ये तो अपशगुन हो गया ना आंटी। तुम्हारा कमरा वो उधर ऊपर है? हाँ। ऊपर नहीं, इन्हें नीचे जो गेस्ट रूम है वहां ले जाइए। जतिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे अपने पास नहीं आने दोगे, खुद पर कंट्रोल करोगे।